गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस। हेलो एल्किन, अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एरे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका हेलो एल्किन और हेलो एरे। तो हेलो एल्किन वाले पार्ट को हम लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हेलो एरिन। वॉट इज द हेलो एरिन एंड वॉट इज द डिफरेंस हेलो एल्किन और हेलो एरिन। ये हम डिफरेंस अपने आप ही अंडरस्टैंड करेंगे कि हेलो एल्किन में क्या डिफरेंस है और हेलो एरिन में क्या डिफरेंस है, हेरिन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हेलो एल्किन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप घर पे उसकी कंप्लीट स्टडी कर सकें, और कंप्लीट स्टडी करने के साथ साथ उसको और इससे कंपैरिजन स्टडी करोगे तो डिफरेंस भी अपने आप ही क्रिएट होगा। क्लियर? तो हेलो एरिल क्या है, इसमें कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे, क्या इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, क्या इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, क्या किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड, तो वो सेम मैनर ही है जैसे अपन ने हेलो एल्किन को कंप्लीट किया। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसके बाद हमने इसको कंप्लीट किया था कि प्रिपरेशन मेथड को हमने इन्वॉल्व किया था उसके अंदर। फिर हमने इसमें प्रिपरेशन मेथड स्टडी किए थे, उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर किया था। वो पैटर्न जो चल रहा है ना, वो पैटर्न इसमें भी कम्प्लीटली फॉलो होगा। अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हेलो एरिन। तो हेलो एरिन की बात करें तो हेलो एरिन होते क्या हैं, लेट्स सी। हेलो एरिन्स क्या होते हैं, ये एक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इन साइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक रूल्स फॉलो होते हैं। एरोमेटिक रूल्स फॉलो की बात करें, जस्ट फॉर एग्जांपल हक्कल रूल्स फॉलो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंटेड होंगी बाय दिस कंपाउंड। ये बेंजीन है आपका, बेंजीन पर कोई हैलोजन एटम बॉन्डेड हो जाए, दैट इज कॉल्ड हेलो एरिन, एक कॉमन नेम है हेलो एरिन, हेलो एरिल भी बोल सकते हो, कहीं कहीं हेलो एरिल भी लिखा हुआ है, तो नॉट ए बिग इशू, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं हेलो एरिल की, तो हेलो एरिल में हेलोजन एटम बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड हेलो एरिन। हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्टिंग लेक्चर में अपन स्टार्ट किया था कि हेलो एल्किन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था, किस टाइप्स की वहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होंगी या कैसे फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेंजीन C6H6 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए हेलोजन एटम्स से, इट्स कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हो हेलोजन एटम से C6H5X, देन फॉर्म कंपाउंड कॉल इज हेलो एरिन। यही तो क्या था आपका, हेलो एरिन था, इसी को तो हेलो एरिन बोल रहे थे अपन। स्ट्रक्चर बेस पे मैंने बताया था, इसकी स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर सेम ही तो है, ये कंपाउंड सेम ही तो है। सो when one hydrogen replaced by halogen atom from the benzene, then form compound call is haloarine. Is it clear? आपको ये भी बताया गया कि इस पे जो hybridization है वो कौन सा है, sp2 hybridization है इस compound पे। How to identify hybridization? Sigma bond count कर लो, first sigma, second sigma, third sigma और 3 sigma, वन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखो डबल बॉन्ड आ रहा है इस कार्बन पे, और डबल बॉन्ड आता है तो एक पाई इंक्लूड हो जाता है, और एक पाई इंक्लूड होते क्या बन गया, वो कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो। क्लियर? तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब इनके छोटे से क्लासिफिकेशन की बात कर लें, तो क्लासिफिकेशन अपन वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे अपने हेलो एरिल में डिवाइड किया था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं छोटे छोटे इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफ नोट में फटाफट बता दूं, तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन
ऑफ हेलो एरिन. लेट्स सी फर्स्ट मोनो हेलो एरिन, सेकेंड वन डाई हेलो एरिन, थर्ड वन ट्राई हेलो एरिन. इज इट क्लियर? मोनो मीन्स सिंगल कंपाउंड या सिंगल हेलोजन एटम होगा, उससे ज़्यादा होंगे तो उसको ट्रेटा पेंटा एक्सा बोल सकते हैं, अपन पॉली की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं. तो मोनो हेलो एल्केन्स क्या होंगे? मोनो हेलो एल्केन इज एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, जस्ट फॉर एग्जांपल बेंजीन लिया, इस पर एक एक्स यूज़ कर दिया, हेलोजन एटम हो गया. यहाँ पर बेंजीन यूज़ किया, हेलोजन यहाँ यूज़ है, यहाँ पर कोई और कंपाउंड आ गया, हेलोजन एटम तो एक ही है ना, तो मोनो हेलो एल्केन का एग्जांपल हो गया. क्लियर? डाई हेलो एल्केन दो हेलोजन एटम्स आ जाएंगे, डाई हेलो एल्केन. जस्ट फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ भी आ जाए, एक्स यहाँ भी आ जाए. और एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक्स यहाँ आ जाए, एक्स यहाँ आ जाए, डाई हेलो एल्केन के एग्जांपल्स होंगे. ट्राई हेलो एल्केन की बात करें तो ट्राई हेलो एल्केन में तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके लिए. कंटिन्यू मैनर में भी हो सकते हैं. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ठीक है ना, इसमें अपन इसको एलिलिक वेंजिलिक वगैरह में डिवाइड नहीं करेंगे, केवल हेलो एल्केन में अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस वही चीज़ें एक बार फिर से नहीं पढ़ने वाले अपन, कि एक ही चीज़ को अपन बार बार रिवाइज करें. बस छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है कि ये हेलो एलिन होते क्या हैं, वो आपको पता लग गया तो आई होप आने वाली जो चीज़ें हैं वो सब इजी वे में आपके क्लियर हो जाएंगे. तो ये एक बार इंट्रोडक्शन देख लो, फिर आगे चलते हैं अपन हेलो एलिन के बारे में कुछ बातें और लिखते हैं. ठीक है ना, एक बात और, जितने भी एग्जांपल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं सबके आईपीएससी नेम की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके आईपीएससी नेम भी स्ट्रांग हो जाएं. आईपीएससी की प्रैक्टिस करोगे आप तो जितने ज़्यादा आईपीएससी एग्जांपल सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा ही रूल्स आपको लर्न होंगे आईपीएससी के. ठीक है ना, तो कभी कभी भी आईपीएससी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जिससे आपको फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको फेस करनी पड़ेंगी फिर. देखो क्या होता है, चलें आगे. चलो कॉपी हो गई आपकी, पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट माइंड में ही करें और स्पीड ले करें. अब बात आती है कि हेलो एरिल में जो बॉन्ड है उसकी थोड़ा सा नेचर देख लेते हैं अपन, कैसे हैं वो बॉन्ड देख लेते हैं एक बार. देखो इन दैट केस मैं हेलो एरिल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो हेलो एरिल कुछ इस टाइप का है अपना. इस हेलो एरिल की बात करें तो हेलो एरिल में ये हेलोजन एटम प्रेजेंट है. हेलोजन एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेवन. इसमें से वन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में यूज़ हो गया कार्बन के साथ, सिक्स रिमेनिंग रह गए. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज लॉन पेयर, मतलब ये तीन लॉन पेयर वाला एक एलिमेंट हो गया. आउटर शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर ये रहा, एक लॉन पेयर ये रहा, एक लॉन पेयर. विच इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड लॉन पेयर. विच इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर. तो इसके पास एक तो बॉन्ड पेयर है जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसके ये लॉन पेयर्स हो गए. अब ये क्या है, प्लस आर इफेक्ट रिप्रेजेंट करने के कारण हेलोजन एटम कौन सा, रेजोनेंस प्लस आर, अपने लॉन पेयर नीचे डोनेट कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन नीचे रिंग कंपाउंड्स को या साइक्लिक रिंग को डोनेट करता है, जिससे इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं. कैसे होगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेते हैं. देखो एक बार ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुए, मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ शिफ्ट होने से आप देखोगे कुछ इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर मिलेगी. मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक्स हेलोजन है ये, आपके इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि डोनर किया है इसने, बाकी का इलेक्ट्रॉन एज इट इज़.
अब देखो यदि मैं इस पाई बॉन्ड को सेम एज इट इज इसमें यहाँ फॉर्मेशन करता हूँ तो इस कार्बन की बैलेंस ही ज़्यादा हो जाएगी, फाइव बैलेंस हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसे ही यहाँ से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेशन हो जाएगा, ओल्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन द नेक्स्ट कार्बन एटम। इज इट क्लियर? रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक इमेजिनरी प्रॉपर्टीज है, इमेजिनरी प्रोसेस है, जिसको प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको लैब में फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, लेकिन फिजिकल ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अगेन इसकी अपन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करें तो स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन, इस नेगेटिव चार्ज का रोटेशन इस साइड होगा तो वेल नोन है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगेन सेम, जैसे ही यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इस कार्बन की बैलेंस ज़्यादा हो जाएगी। बैलेंस ज़्यादा कैसे? 1, 2, 3, 4 और एक हाइड्रोजन अप्लाइड है ये इस पर, तो ऐसी सिचुएशन कुछ मिलेगी। उस कंडीशन में यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन आपका एज इट इज़, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ ऑलरेडी था ही, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया आपका? नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, सेम एज इट इज़। इस बॉन्ड को रोटेशन इधर कराएंगे, ये डबल बॉन्ड इधर फॉर्मेशन होगा, यहाँ बनने की ट्राई करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ टूटेगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है ना। और जब ब्रेक होगा तो अगली स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन होगी? कुछ इस टाइप का आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी, इस टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? यहाँ पर बॉन्ड है ही है, यहाँ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन एक्स एक्स, और ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर थोड़ी ऐसी हो रही है तो जरूर नहीं कि घबराए नहीं कि सर ऐसी स्ट्रक्चर कैसे बना दी, हो जाती है कभी कभी। और फिर लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट होगा इस जगह और अपने इलेक्ट्रॉन वापस उस हैलोजन एटम पे ही चले जाएंगे, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? हैलोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये आपकी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एरिन। ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद वो रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल हो रही है उस रिएक्शन को वो एक्सप्लेन करती है। क्लियर? तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, एक नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे है और एक नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे है। इस कंडीशन को अपन ऑर्थो पैरा ऑर्थो कंडीशन बोलते हैं। तो जो आने वाले कंपाउंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब इन्हीं पोजीशन पे ही पॉसिबल होंगी। मेटा पोजीशन पर कोई कंपाउंड यहाँ पर बॉन्ड नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे ही कंपाउंड बॉन्डेड करता है। सो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। देखो तो जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो गया तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांगनेस होती है किसमें? डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड बनने से एलिमेंट पास पास आ जाएंगे, पास पास आने से क्या होगा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कम हो जाएगा, इसीलिए हेलो एरिल हेलो एल्किन से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। रीजन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में, जबकि हेलो एल्किन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हेलो एल्किन हम डिस्कस कर चुके हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन ही नहीं हो रही थी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होती, इसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती हैं। सो दैट इज द लेस रिएक्टिव कंपैरिजन टू हेलो एल्किन। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। एक लास्ट इसमें अपन रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्मेशन करें तो वो भी पॉसिबल है, अपना रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। नंबर 6 लेकर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? इन
जो पांचों स्ट्रक्चर आपकी फॉर्मेशन हुई है उनका कंक्लूजन होता है। माइनस रोटेट हुआ है, माइनस रोटेट कर दो, हैलोजन आपका एज इट इज ही है, वो हैलोजन आपने ऐसे रेजन किया यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना, माइनस को हाफ ही रोटेट करना है। हाफ रोटेट क्यों करना है, रीज़न आपको पता ही है, रीज़न है कि माइनस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इधर आया और इधर आया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, यहाँ गया, इस पोजीशन से कहीं भी नहीं आया, इसलिए मैंने हाफ राउंड यूज़ किया है, यहाँ पर सर्किल यूज़ किया है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में रेजोनेंस हाइब्रिड इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एरे। अब आप हेलोजन के प्लेस पे एप सी एल बी आर आई कुछ भी यूज़ कर दो, स्ट्रक्चर यही रहने वाली है सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे अपन, उसको देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर वो, ठीक है ना, तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ वहाँ सेम रहने वाली है। चलिए अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। एक बात और बता दूँ मैं आपको, एल्किल हैलाइड तो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन टू एरिल हैलाइड, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वाइनिलिक हैलाइड से भी आपसे पुट हो सकता है या पूछा जा सकता है। कैसे, वी नो दैट वाइनिक इज सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एक्स, इट्स कॉल इज वाइनिलिक हैलाइड। व्हेन हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है एस पी टू, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है एस पी टू, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ऐसी सिचुएशन मिल गई, देखो sp2 वाले से डायरेक्ट अटैच मिल गया, ऐसी सिचुएशन मिल गई ना, ये वाली सिचुएशन देखो, तो इस कंडीशन में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज रखता है। जब पॉसिबिलिटी रखता है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, हैलोजन एटम पे लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हैलोजन एटम के लॉन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर जनरेट होंगे बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेंस, सेकंड स्ट्रक्चर रेजोनेंस, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गए, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी है, सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर भी हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, तो इसको अपन नोटिस करेंगे फिर, ठीक है ना, ये कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन वाइनिलिक हैलाइड रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द नेम, वाइनिलिक हैलाइड। सब कुछ बिफोर क्लास में या पहले वाली क्लासों में अपन कंप्लीट कर चुके हैं, व्हाट इज द वाइनिलिक, व्हाट इज द एलिलिक, व्हाट इज द वेंजिलिक, व्हाट इज द एरिल, क्लियर। चलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, इसको आप एक बार नोटिस कर लें, उसके बाद फिर अपन चलते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेल्प एरिल्स, देख लो एक बार। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन की बात करें तो प्रिपरेशन मेथड हेलो एरिल क्या होते हैं, मतलब कैसे अपन इनको प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन, हेलो एरिल्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। हाउ टू प्रिपेयर हेलो एरिन्स बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, फर्स्ट मेथड यूज एल्काइलेशन सेम एज इट इज फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी आपकी जैसे सैंडमायर रिएक्शंस आएगी, कटरमन रिएक्शन आएगी, ठीक है ना, और वी एक्सेट्रा रिएक्शन, हुल्स्टीडिकर रिएक्शन भी अपन इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो वो सारा अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हेडिंग मेंशन करें आप प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिल, हेलो एरिन्स, हम पढ़ रहे हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स लेक्चर नंबर 8। तो हेडिंग है आपकी प्रिपरेशन
प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरे. हाउ टू प्रिपेयर हेलो एरेंस वाई डिफरेंट मेथड्स. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट मेथड जो है वो है आपका एल्काइलेशन या हेलोजिनेशन बोल देते हैं. हेलोजिनेशन फर्स्ट मेथड कौन सा है? हेलोजिनेशन. तो फर्स्ट मेथड है हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में इसके अंदर इसको हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं, रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग या इसकी बात करें तो अपन देख सकते हैं कि इसमें अपन किस टाइप से फॉर्मेशन करेंगे. रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग कैसे? देखो जरा, मैं बेंजीन की रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड अपन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हेलो एरिन्स में कौन यूज़ होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? फेमस एग्जांपल है आपका बेंजीन. बेंजीन पर मैं हेलोजिनेशन रिएक्शन करा रहा हूँ. हेलोजिनेशन रिएक्शन मीन्स Cl2 की रिएक्शन करा रहा हूँ. तो Cl2 रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? क्लोरीनेशन रिएक्शन. इज इट कॉल क्लोरीनेशन? तो इसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा. दिस टाइप कंपाउंड फॉर्म इन दिस रिएक्शन, मतलब क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हुआ है आपका. अब क्लोरोबेंजीन ही तो क्या है आपका? हेलो एरिन है. जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन लोगे, जैसे Br लिया तो ब्रोमो हो जाएगा, Cl लिया तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा. अब रिएक्शन क्या हुई है? बेंजीन रिंग पे हुई है यह रिएक्शन. इज इट क्लियर? रिएक्शन इन ब्रांच में भी होगी, जो ब्रांच लगी होगी उस पर भी रिएक्शन, लेकिन वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. इज इट क्लियर? इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को यदि अपन एक्सप्लेन करें तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो देख लेते हैं एक बार. मैकेनिज्म हालांकि मैं बिफोर क्लास में आपको कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लें क्योंकि वहाँ पर अपन ने एल्किल हैलाइड को कंसिडर किया था. मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, इस Cl के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं AlCl3 के साथ. AlCl3 इज ए लुईस एसिड, इट्स कॉल्ड लुईस एसिड. लुईस एसिड है तो ऑक्टेट अनकम्प्लीट है तो एक Cl इसको मैं दे सकता हूँ. सिचुएशन वही वाली है एल्यूमिनियम वाली कैसे? एल्यूमिनियम का आउटर से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें, नियॉन 10, 3s2, 3p1, इस बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉक्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में जाएं तो एक्साइटेड स्टेट में अपन नोटिस करते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला जाता है? यहाँ पर एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है. तो ये तो कंडीशन हो गई किसकी? AlCl3 की. लेकिन हम इसको एक Cl और दे सकते हैं क्योंकि बैकेंड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो बैकेंड ऑर्बिटल में एक Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ यहाँ बॉन्डेड हो जाएगा, Cl हो गया. तो AlCl4 की कंडीशन हो गई है. क्लियर? तो मैं इसका कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ और ये Cl प्लस और AlCl4 माइनस यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको वापस गेन कर लेंगे. फिर आएगा आपका स्टेप सेकंड में क्या होगा? रिएक्शन करेगा ऑन द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग पे कौन रिएक्शन करेगा? हेलोजन एटम, क्लोरीनियम आयन, इट्स कॉल्ड क्लोरीनियम NiUm, क्लोरीनियम आयन रिएक्शन करेगा. जब क्लोरीनियम आयन अटैक करेगा इस पर तो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होगा. तो हाउ टू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन ऐसे ओपन कर लिखना पड़ेगा एच के साथ, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अटैक करने से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बैलेंसी कम होते ही पॉजिटिव चार्ज एच को इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जा चुका है. अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा और रेजोनेंस बेस पे ये स्टेबल होगा. क्या होगा? स्टेबल होगा. कैसे? इसमें ये चार्ज है, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव,
नेक्स्ट पोजीशन को गेन करेगा। ये तो एज इट इज़ है ही है, यहाँ पर नया फॉर्मेशन होएगा और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इज़ इट क्लियर। फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस साइड, अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एरोमेटिक कंपाउंड। रेजोनेंस फैक्टर जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो आप इसको एक बार देख लें, आपके 11th क्लास के टॉपिक भी आप रिवाइज कर लें, जिससे क्या होगा कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो बनी है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई इसकी, इस कंपाउंड्स की, ये क्या हो गई इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एरिनियम आयन बोल सकते हैं इसको अपन, एरिनियम, इट्स कॉल एरिनियम आयन्स। अब लास्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में मैंने यूज़ किया है केवल और केवल क्या, लास्ट वाला क्या है अपना ClH पॉजिटिव चार्ज, ये इस यहाँ पर है, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ AlCl4- से, क्योंकि हमने Cl इसको थोड़ी देर के लिए प्लेस दिया है रखने के लिए, AlCl4 ये रहा आपका, तो AlCl में एक Cl इस ऐसे रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड ब्रेकेशन होगा, इस साइड जाएगा, यहाँ पर चला गया ये, और इस कंडीशन में क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर तो आपका रह गया Cl, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, AlCl3+HCl। आप देख सकते हो जो कंपाउंड बने हैं वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही बने हैं, दैट इज़ फुल मैकेनिज्म ऑफ रेजोनेंस कंपाउंड। ठीक है, ये आपकी हैलोजिनेशन रही है। अब Br यूज़ करोगे आप तो ब्रोमिनेशन बोल दो, क्लोरीन यूज़ करोगे तो क्लोरीनेशन बोल दो, वो इफेक्ट नहीं करता है कि आप हैलोजिनेशन में Cl को यूज़ करना है, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्लियर, तो ये रिएक्शन से आपकी किसकी हैलोजिनेशन, प्रिपेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन्स की फर्स्ट रिएक्शन होती है। लिख लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर से, फिर नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं अपन। अब देखो हेलो एरिन कंपाउंड की बात करें तो मैंने इसको डिवाइड किया है रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग या बेंजीन पे, बेंजीन रिंग बोल दो, इस साइक्लिक रिंग पे होगी, वो भी कब, एब्सेंट ऑफ लाइट, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन इन द ब्रांच, कार्बन एटम, कार्बन एटम के अंदर होगी रिएक्शन, ठीक है ना, ब्रांच पे, अब रिंग पे नहीं जुड़ेगा कंपाउंड, तो वो एक बार देख लेते हैं। देखो कैसे है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ कर लिया इस बार टॉल्यूइन और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Cl2 के साथ और सनलाइट की प्रेजेंस में, वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं थी, यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस रखी गई है। अब जो रिएक्शन होगी ना वो इस पर रिएक्शन नहीं होगी, बेंजीन पे, बेंजीन रिंग्स पर रिएक्शन नहीं होगी, अब रिएक्शन होगी आपके इस ब्रांच कंपाउंड पे, जो भी ब्रांच कंपाउंड है उस पर रिएक्शन फॉर्मेशन होगी और जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ होगा आपका CH2Cl NHCl। इज इट क्लियर। हेलो टॉल्यूइन से अपन ने बेंजिल क्लोराइड बना दिया, इट्स नेम इज बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल हैलाइड भी बोल सकते हो, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे करानी है तो इस पैटर्न से कराओगे आप, इस मेथड से यूज़ करोगे, और ब्रांच पे करानी है तो इस मेथड को यूज़ करना है आपको। क्लियर, ये ध्यान रखना आप एक बार। एक रिएक्शन और होती है, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में आप बार बार ही रिएक्शन कराते जाओ, जैसे इस फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ, इसी रिएक्शन को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ कि इसी रिएक्शन को मैं Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में आगे फिर से करा दूँ, ठीक है ना, तो उससे क्या कंपाउंड बनेगा वो देखो आप, CH एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl, पहले एक ही Cl था, एक और H रिप्लेस हो गया, एक HCl और निकल जाएगा, एक बाय H और है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन ऐसे पड़ी थी वैसे ही है, Cl2 और HNu के साथ फिर रिएक्शन होगी,
और फिर कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे रिंग है ही है, इधर भी सीएल हो गया, इधर भी सीएल और इधर भी सीएल, सारे सीएल यूज़ कर लिए मैंने और एचसीएल रिलीज़ हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे एक हैलोजन है, यहाँ पे दो हैलोजन है, यहाँ पे तीन हैलोजन एटम। इसका नेम है बेंजिल क्लोराइड, इसका नेम है बेंजल क्लोराइड। व्हाट इज़ द नेम? बेंजल क्लोराइड। इसका नेम क्या है? बेंजो क्लोराइड। ध्यान रखना, एक हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कराओगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराओगे हैलोजन से, सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजल क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। दो, एक और हैलोजन सब्स्टिट्यूट कराओगे देन फॉर्म बेंजल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजल क्लोराइड। इसको आगे फर्दर रिएक्ट कराओगे देन फॉर्म बेंजो क्लोराइड। क्लियर? तो ये एक प्रोसेस है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरेन के। देख लो फटाफट, फिर आगे वाले चलते हैं अपन मेथड्स को। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनको आप मैक्सिमम अमाउंट में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट पास करें, जिससे आपको और आपके स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिल सके। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अलॉट की जा रही हैं, जिससे क्रूशियल टाइम जो है आपका, ये क्वालिटी टाइम जो है वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम जो है बहुत कीमती होता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है। जितने भी आपको टॉपिक या जितने भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, उस बेस पे आपको यहाँ पर ये यूज़ करना है और कंटिन्यू स्टडी रखनी है आपकी, मानो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट मेथड है आपका डाइएजोटिजेशन। सबसे पहले डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, देन रिएक्ट फर्दर रिएक्टेंट। क्लियर? नंबर टू, डाइएजोटिजेशन। डाइएजोटिजेशन मीन्स डाइएजोजिन मीन्स बताए कि इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन। एनिलीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन HNO2 प्लस HCl से कराते हैं। टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन यूज़ करते हैं, मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री टेम्परेचर अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और इससे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड डाइएजोनियम क्लोराइड। दैट इज कॉल्ड डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब इस एनिलीन की रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एनिलीन। ये क्या है आपका? एनिलीन कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जस्ट जेम एज इट इज बेंजीन क्लोरोबेंजीन, जैसे एनिलीन है एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड, इट्स कॉल्ड नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराई। नाइट्रस एसिड रिएक्शन कराने पर यहाँ पर डाइएजोनियम बना, दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन, दोनों कंबाइंड हो गए हैलोजन के साथ, तो ये डाइएजोनियम कंडीशन आ गई। रिएक्शन का नाम है डाइएजो, तो डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। क्लियर? और बाकी का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो सारे रिलीज हो गए, कैसे? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शंस में यहाँ पर वो रिलीज हो गए। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटिजेशन रिएक्शंस। अब इसमें ये जो बना है ये है डाइएजोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, पूरा नाम ही लिख देता हूँ, डाइएजोनियम क्लोराइड।
इट्स कॉल्ड डाईएजोनियम क्लोराइड। इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको आप चाहें तो N2Cl भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो प्रिपरेशन तो हुआ ही नहीं, प्रिपरेशन इससे होगा तो डाईएजिटेशन रिएक्शन करा दी सबसे पहले। अब इसकी रिएक्शन फर्दर कराई जाती है, देखो इस डाईएजोनियम क्लोराइड को अपन यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनर में N2Cl, तो क्या कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहे हैं वो अपन को यहाँ पर देखना है। 1, 2, 3 और 4 4 कंपाउंड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल Cl2 और HCl की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल क्लोरोबेंजीन और N2 आपकी गैस रिलीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ईयर रिएक्शन कराते हैं Cu2Br2HBr के साथ, उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन और N2 रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन की स्टार्ट करें तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो कॉपर की प्रेजेंस में टेम्परेचर देते हैं इस कंपाउंड को, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल क्लोरोबेंजीन, N2 गैस यहाँ से भी रिलीज हो जाएगी आपके। लास्ट वन रिएक्शन देखें, KI की रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं इस कंपाउंड से, तो इस कंडीशन में आपका N2 बाहर निकल जाएगा और KCl बाहर निकलेगा और आयोडीन इससे फॉर्मेशन होगा, आयोडोबेंजीन बनता है और एक बन जाता है KI और एक बन जाता है N2। मींस इस एक डाईएजोनियम कंपाउंड से अपन ने 4 रिएक्शन कंप्लीट कर ली। एक बार इस कंपाउंड से रिएक्शन कराई, एक बार इस कंपाउंड से रिएक्शन कराई, एक बार इससे कराई और एक बार इससे कराई, 4 रिएक्शन कंप्लीट कर ली, जिसमें से ये 2 रिएक्शन जो है साइंटिस्ट ने सजेस्ट की थी, इसलिए इस नेम को रिएक्शन बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुए थे, ये रिएक्शन उसने कंप्लीट किया। दिस वन इज कॉल्ड गाटरमान रिएक्शन, दिस वन कॉल्ड गाटरमान रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमायर रिएक्शंस और गाटरमान रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, पहले आपको इन कंपाउंड के लिए फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ये रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन यू गेन द राइट प्रोडक्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। इज इट क्लियर? ये आपका सेकेंड डाईएजोनियम के द्वारा प्रिपरेशन मेथड हो गया। लास्ट मेथड अपन डिस्कस कर लें तो लास्ट मेथड वो है आपका, थर्ड वन इज हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन को अपन हेलो एल्केन में भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो कंपाउंड था आपका नॉन साइक्लिक, नॉन एरोमेटिक, यहाँ पर अपन रिएक्शन करेंगे वो लेंगे साइक्लिक। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सिल्वर बेंजेनोइट यूज़ कर रहा हूँ और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ Br ब्रोमीन से, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में बनेगा, और यहाँ से एक AgBr को लेके जाएगा और यहाँ से ये इसको लेके जाएगा, और कंपाउंड बनेगा क्या? एक तो बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि रिंग के साथ कौन गया है? Br, तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन हो गया। Ag के साथ कौन गया? Br, AgBr फॉर्मेशन हो गया, और लास्ट कंपाउंड जो अकेला गया है वो है CO2, दैट इज कॉल्ड हेलो एरिल। हेलो एरिन सी फॉर्मेशन हुए हैं, ये देखो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हेलो एरिन सी तो है, ये कंपाउंड हो गया अकॉर्डिंग टू हुंसडीकर रिएक्शंस। सिल्वर बेंजेनोइट लिया था, वहाँ पर सिल्वर एसीटेट लिया था, ये है सिल्वर बेंजेनोइट, यहाँ पर H यूज कर दूँ तो बेंजेनोइक एसिड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये प्रिपरेशन मेथड्स हैं आपके किसके? हेलो एरिन के। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हेलो एरिन के प्रिपरेशन मेथड हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, सेकंड पार्ट ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन और हेलो एरिल का आपका ये सेकंड पार्ट है जो अपन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वालिटी टाइम। अब जो भी है आपकी चीज़ें वो सारी क्लियर हैं, वो आप घर पे स्टडी करें और इनको कंटिन्यू मैनर में आप आपके कॉन्टैक्ट में रखें। थैंक यू।